ये देखिए, ये है ममा अर्थ की लिपस्टिक्स जो कि मैंने ममा अर्थ की वेबसाइट से ऑर्डर की थी, तो आज मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी। वैसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसकी मैंने ऑर्डर की थी, बट मैं अभी इसका जो है आपको रिव्यू दूंगी। ये जो तीन शेड्स हैं ये बड़े वाले शेड्स हैं, और ये जो दो शेड्स हैं ये छोटे वाले लिपस्टिक्स में हैं। तो अभी मैं आपको इनका शेड बताती हूँ स्वाचेस लेके। बाकी मैंने इसको अप्लाई भी किया अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में, वो भी यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप उसमें भी चेक कर लेना। बाकी इसका जो भी प्राइस रहेगा, ऑफ़र रहेगा, लिंक रहेगा, वो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये शेड है गाइस वुडी रोज़। ये देखिए कितना प्यारा शेड है ना ये वाला। मुझे तो सच में पर्सनली ये वाला शेड बहुत पसंद आया। मैं आपको इसका स्वाच लेके बताती हूँ कितना क्रीमी है, कितना टेक्सचर देखिए इसका कितना अच्छा, और सिंगल स्वाप में कितना इसने अच्छा शेड दिया है। पिगमेंटेड देखिए आप कितना है ये वाला शेड। ये जो देखिए गाइस, मैंने सिर्फ इसका एक बार मैंने इसका स्वाच लिया है, और देखिए कितना पिगमेंटेड शेड है। ये जो लिपस्टिक है बहुत टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, और इसका अगर आप सिंगल स्ट्रोक ही लगाओगे एकदम हल्का सा, तो ये बहुत बहुत अच्छा आपको कलर देगी। और ये जो दूसरा शेड है छोटे लिपस्टिक में, ये है बेरी न्यूड जो कि है 3.5 ग्राम्स की। अब मैं आपको इसका भी स्वाच जो है लेके दिखाती हूँ। सी दिस, कितना क्रीमी लग रहा है। सी दिस, ये देखिए गाइस कितना अच्छा लुक है, कितना पिगमेंटेड है। मैं पर्सनली गाइस आपको बताऊं, मैंने जितनी भी ममा अर्थ की अभी तक लिपस्टिक्स यूज़ की है ना, मुझे सारी ममा अर्थ की लिपस्टिक्स पसंद है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑयल है जो कि आपके लिप्स को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो आई एम इन लव विद दिस ममा अर्थ लिपस्टिक्स। तो गाइस उसके बाद आता है मेरा ये पर्सनल कलर जो है सिट्रस न्यूड, जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। नाउ लुक एट दिस शेड। सॉरी ये मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया, बट मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ यूज़ करने के बाद। सी दिस, ये एक ऑरेंजी टेक्सचर है, बट ये बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लगाओ। ये भी हर तरह के स्किन टोन पे जो है ना सूट करता है। सी दिस गाइस, कितना पिगमेंटेड है और कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका सिट्रस न्यूड, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद गाइस अगला शेड है ये कैंडी फ्लॉस पिंक। नाउ लुक एट दिस, ये देखिए गाइस, सी गाइस दिस, देखिए कितना अनियन सा शेड है ये। मुझे ना ये वाला बहुत पसंद आया है प्रोडक्ट, क्योंकि ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, उन सबके अंदर एक बहुत अच्छा मॉइस्चर है जो कि हमारे लिप्स को चैप नहीं होने देता और ड्राई नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट शेड है जो कि फिफ्थ है, वो है पिंक लेमोनेड। ये देखिए, ये सब गाइस मैं यूज़ कर चुकी हूँ, यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू दे रही हूँ। सी दिस, व्हाट अ लवली कलर। ये भी आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी ड्रेस के साथ इसको जो है मैच कर सकते हो, और हर तरह के स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगा। तो गाइस आपको मेरा ये कलेक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे तो पर्सनल बेसिस पे ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो बहुत फेवरेट हैं। बाकी इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दूंगी। गाइस ममा अर्थ का ना इनिशिएटिव है कि 2025 तक इनको जो है काफ़ी सारे 1 मिलियन अप्रॉक्स प्लांट्स लगाने हैं, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स खरीदिए, आप जितने भी ममा अर्थ के प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से वो उसका कुछ परसेंट जो है आपके नाम पे उस ट्री को जो है वो प्लांट करते हैं, जिसका वो आपको मेल पर प्रॉपर तरीके से लोकेशन भी सेंड करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट ख़रीदा है तो हम आपके नाम पे ये जो प्लांट है इस जगह पे लगाने जा रहे हैं। गाइस ममा अर्थ की जितने भी लिपस्टिक्स हैं वो सारी की सारी मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स हैं, जो कि 2 ग्राम और 3.5 ग्राम के अंदर अवेलेबल हैं। ये जितनी भी लिपस्टिक्स हैं वो 12 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करती हैं, 8 आवर्स तक जो है आपका मॉइस्चर लॉक करके रखती हैं, और एकदम स्मज प्रूफ है। सो गाइस ये जितनी भी लिपस्टिक्स हैं इन सबकी एक और खास बात है, वो ये कि ये एकदम क्रुएल्टी फ्री हैं। रिसेंटली अभी जो है ममा अर्थ पे ऑफर भी चल रहा है, बाय 2 गेट 1 एक्स्ट्रा फ्री का और बाय 1 गेट 1 फ्री का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।